गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप ऑल इज वेल। फाइन सर। पढ़ाई अच्छी तरह नहीं कर रहे हो तुम लोग? मैंने तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। प्रिशा वॉज गुड, लेकिन प्रिशा ने सब अटेम्प्ट ही नहीं किया। प्रिशा लेफ्ट सो मेनी थिंग्स, बट वॉट एवर शी डिड वॉज परफेक्ट। ओके, तो लेट अस स्टार्ट वंस अगेन विद अ फ्रेश नोट। हम लोग कर रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इन दैट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, फर्स्ट आई टोल्ड यू व्हाट आर डिफॉर्मेशंस, व्हाट आर डिफॉर्मिंग फोर्स, व्हाट इज इलास्टिक बॉडी, व्हाट इज प्लास्टिक बॉडी, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, देन रीस्टोरिंग फोर्स, देन स्ट्रेस, देन स्ट्रेन। After that, different types of stress, different types of strain, different types of stress, tensile का दूसरा नाम क्या था भार्गेश? Yeah, volume का दूसरा नाम क्या था? हुसैन? हुसैन? Bulk. Bulk. Shear का दूसरा नाम क्या था? प्रिशा? मास? दूसरा नाम क्या था shear का? Tangential. That's right. Lovely answer. I loved it. Okay. इतना क्या था? उसके बाद हमने देखा था, what do you mean by elastic limit? Elastic limit की unit क्या थी? Who will tell me? भार्गेश, elastic limit की unit क्या थी? Was it having any unit first of all? वो तो limit है. भार्गेश? Yes, sir. Was it having any unit, elastic limit? रोशनी, रोशनी इलास्टिक लिमिट की यूनिट क्या थी? आफिफ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलास्टिक लिमिट? सर, नो यूनिट। नो, दैट्स बैड आंसर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आई टोल्ड यू इन नोट, नोट नंबर वन देखो तुम लोगों ने लिखा है, इलास्टिक लिमिट इज नथिंग बट स्ट्रेस, देयरफॉर यूनिट इज न्यूटन पर। लिखा है कि नहीं? जस्ट चेक 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 नोट ए बी ऐसा करके, नोट वन नोट टू में लिखाया था मैंने। लिखा है क्या जरा देखो? यस सर। हाँ, फिर एक लेक्चर के पहले वाला याद नहीं है, तुम लोग कैसे काम कर रहे हो यार? ओके, तो इसके बाद में इलास्टिक लिमिट के बाद हमने देखा था हुक्स लॉ। हुक्स लॉ वाज वेरी ओम मिस्त्री। हुक्स लॉ क्या था? ओम मिस्त्री, ओम ओम तो बोलने वाला ही नहीं है। ओम आफिफ, व्हाट वाज हुक्स लॉ? सर, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। राइट, दैट्स राइट। ओके, आफ्टर दिस, आफ्टर दिस इलास्टिक लिमिट के बाद में हमने लैटरल स्ट्रेन देखा था। क्या देखा था? लैटरल स्ट्रेन। जीतू, लैटरल स्ट्रेन क्या था? इज डिफाइंड एज व्हाट अपॉन व्हाट? सो लैटरल स्ट्रेन इज आल्सो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। वेरी बैड आंसर, वर्स्ट आंसर, वर्स्ट। सो इट इज चेंज इन, सो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन लैटरल डायमेंशन। पढ़ाई नहीं कर रहे, अभी आंसर सही है हुसैन का। हुसैन बोल जरा। सर, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन या चेंज इन द ओरिजिनल लैटरल डायमेंशन विद इन इलास्टिक लिमिट। दैट इज राइट, चेंज इन लैटरल डायमेंशन टू द ओरिजिनल लैटरल डायमेंशन विद इन इलास्टिक लिमिट। और विद इन इलास्टिक लिमिट नहीं बोलो तो चलता है, दैट इज बी अपॉन बी। चेंज इन ब्रेथ और डेप्थ, width upon original width, change in depth upon original depth, or change in radius upon original radius, change in diameter to the original diameter, side ke dimension ka change to the side ke original dimension, side ke dimension ko bolte lateral dimension. All right. Acha, ye to batao, Hooke's law kisne bataya abhi abhi? Bataya hi nahi kisi ne. Roshni, Hooke's law kya tha? Agar tumko thoda bahut yaad ho to. रोशनी, रोशनी समझ में आया था क्या? थोड़ा बहुत सब बाउंसर गया था। हाँ,
आवाज नहीं है तुम्हारी जरा भी. चलो अफीफ, व्हाट वाज हुक्स लॉ? सर, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट. एंड देयरफॉर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का नाम क्या था भार्गव? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का नाम क्या था भार्गव? यस सर. व्हाट वाज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन नोन एज? What it is known as? I don't like. The constant. The modulus of elasticity. That's a lovely answer. Bhargis, I'm not happy with you. Tum itna easy answer nahi de rahe ho. And Mas, I'm really proud of you. Denoted by capital E. Koi bole define capital E. So modulus of elasticity is defined as the ratio of stress to strain within elastic limit. इसके बाद में एक क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स? व्हाट आर डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स? सर, यू आर गिविंग अ नोट यस्टरडे आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ लैटरल. अच्छा, ये नोट दे रहा था, एल अपॉन एल इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूड. ये लिखा था ये लिख डालो, खाली यही शायद नोट होगा, बाकी और कुछ नहीं होगा. और कुछ याद है किसी को, क्या मैं मुंह से क्या बोल रहा था? Anyone who can recollect? Anyone who can recollect? चलो ये लिख डालो नोट में, और उसके बाद में लिखो अगला क्वेश्चन. डिफाइन डिफरेंट इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स. ये लिख दो, ये लिख दो, डिफरेंट इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स. और मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी. खाली ध्यान रखना, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए मार्क्स साइंस में जरा भी नहीं कटते हैं. आप बिल्कुल चिंता मत करना, स्पेलिंग के लिए बहुत मारा मारी मत करते बैठना. ओके, अब यहाँ पे देखो, ये लैटरल था ना, लैटरल तो खाली स्ट्रेन ही है, लैटरल स्ट्रेस नहीं है. अबे अभी अभी हमने देखा, आई एम गोइंग टू स्पीक, आई एम गोइंग टू आस्क, कहाँ ध्यान रखो, मैंने जो बोलूंगा बोलूंगा, चल बता. देखो अभी अभी हमने देखा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन equal to constant known as modulus of elasticity. Known as modulus of elasticity. All of you agree? Abhe na, can you see there are three types of stress? Ek, don, teen. And there are three types of corresponding strain. Therefore, there must be three types of modulus of elasticity. Teen, teen stress or teen, teen corresponding strain. Therefore, there will be three modulus of elasticity. Tell me, all of you agree? All of you agree with this? वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन वाले को बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस. क्या बोलते हैं? बल्क. वॉल्यूम मॉड्यूलस भी बोल सकते हैं, लेकिन जो चलता है मैं नाम, वो मैं ज्यादा बोलता हूं. एंड नंबर थ्री एंड लास्ट, शियर स्ट्रेस टू स्टीयर ट्रेन को कोई बता सकते क्या बोलते होंगे? क्या बोलते होंगे बोलो?
उसको बोलते हैं बहुत गंदा नाम है उसका, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। जब कॉलेज को डिनोट करते हैं बड़े वाय से, बड़ी कॉलेज को डिनोट करते हैं के से, कैपिटल के, खंडेल वाला के, एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को ईटा, इसको बोलते हैं ईटा। ईटा कैसे बनाने का, ईटा है ना ऐसे, लेकिन एंड बनाने के बाद उसकी टांग को खींच डालो, ऐसे खींच डालोगे तो दैट इज कॉल्ड ईटा, दैट इज कॉल्ड ईटा। ये तीन नाम है, मैं एक डेफिनेशन बोलता हूँ, बाकी दोनों डेफिनेशन किसी स्टूडेंट को बोलना होगा कंपलसरी, एवरीबडी विल बी एबल टू आंसर। बोलो इन तीनों में से किसका डेफिनेशन बोलो, ओम किसका डेफिनेशन बोलो, ओम ओम। चलो ओम ने तो बोलना बंद ही कर दिया है। चलो जीतू किसका डेफिनेशन बोलू, volume of stress to the volume of strain within elastic limit. Volume of क्या होता है? Volume stress to volume strain within elastic limit. Afif, Young's modulus का definition बोल, Afif. Sir, Young's modulus is defined as the ratio of tensile stress to tensile strain. Incomplete. Within elastic limit. Within elastic limit. That is the right answer. अच्छा सबसे पहले तो हम लोग लिख देते हैं. We come across three types of modulus of elasticity. ऐसे लिखना चालू करो. We come across three types of modulus of which city? Which city? Elasticity. That is right. Modulus of elasticity. और फिर लिखो number. ये नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री खाली नाम लिख डालो पहले, यंग्स बल्क एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। रोशनी चौरसी आर यू देयर रोशनी? यस सर। अच्छा तुम दो दो कैसे दिख रही हो मेरे को, एक रोशनी चौरसिया वन मोर रोशनी चौरसिया इसमें अटेंडेंस में? आई डोंट नो, देयर आर टू आई कैन सी, एक में रोशनी चौरसिया लिखा हुआ है और दूसरे में सिर्फ रोशनी लिखा हुआ है। ओके ये लिखा, तीनों नाम लिखा प्यारे बच्चों? यस सर। ओके सबसे पहला लिखो नंबर वन, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, is defined as the ratio of, ratio of, ratio of tensile stress to tensile strain, tensile stress to tensile strain within elastic limit. लिखा दूसरे दो लिखो अपने आप, चलो बल्क और लिखोगे और मैं बोलूंगा क्या लिखा रीड करके बताओ, एवरीबडी मस्ट राइट इमीडिएटली। लिखा
ठीक है बच्चे लोग, हाँ यस लिखा यस सर, यस सर, ओके। तो मुझे पढ़ के बताओ भार्गेश, आपने बल्क मॉड्यूलस में क्या लिखा? यस सर, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। चलो अभी अगला क्वेश्चन लिखो, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर यंग्स मॉड्यूलस। Derive expression for Young's modulus. Expression for Young's modulus. Diagram banane ki zarurat nahi hai, but I will have to draw so that you will understand much better. Suppose there is a wire of length L. Iske upar ek फोर्स लगाया, मास लगाई थी एम। एनीबडी कैन टेल मी, अगर मास एम तो व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड? एनीबडी हु कैन टेल मी, इफ एम इज द मास अटैच्ड बिलो अ वायर, व्हाट इज द फोर्स? एनीवन? सर एमजी। एमजी, दैट्स लवली आंसर। ओके, सपोज आर इज द रेडियस ऑफ द वायर, आर छोटा सा रेडियस है, ऑलराइट। टेल मी आवर दिस मेन एम ऑफ दिस फोर्स इज व्हाट? Main aim of this force is to increase length, volume, or shape, to change the shape. What it is doing, this force? Sir, increasing length. A change in length, therefore tensile will be effective. Change in volume hota to volume, change in shape hota to shear. All right. So, abhi hum log ko derive karna hai expression for Young's modulus. So, koi mujhe batayega if A is the area of cross section, of course, area will be pi r square. What will be tensile stress? Will be what upon what? खाली इतना बोलो। Will be equal to what upon what? So, बोलो ना प्यारे बच्चों। Sir, mg upon pi r square. और पहले mg upon pi r square. और mg upon pi r square right या? भार्गेश you're right बेटा। mg upon pi r square. And what will be tensile strain? Equal to क्या लिखूँ? What upon what? So change in length upon original length. That's right. Small L upon world, choto L upon motor L. By definition, Y equal to what? Tensile stress to tensile strain. That is equal to F upon A upon choto L upon motor L. So therefore, Y के दो दो आंसर, Y equal to F capital L upon A small l, और mg capital L upon pi r square छोटा l. This equation मैं लगभग हजारों बार पूछूंगा बच्चों को. Everybody must learn by heart. This equation, every one of you must learn by heart. Let's know the all of this. एक बार फिर से. Young's modulus का ये करने के लिए कंसीडर अ वायर, अगर बना लोगे तो भी कोई खोटा नहीं है, डायग्राम बनाओगे तो, ऑलराइट। सो कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ एल, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, सच दैट आर इज द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेट द फोर्स एफ बी अप्लाइड, लेट अ मास एम बी अप्लाइड सो दैट फोर्स अप्लाइड विल बी एम जी, देयरफॉर टेंसाइल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू एफ अपॉन ए दैट इज एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर। टेंसाइल स्ट्रेन बाय डेफिनेशन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, छोटा एल अपॉन मोटा एल। By definition, Young's modulus is tensile stress upon tensile strain. That is this upon this. That is F into capital L upon A into small l, or MGL upon pi r square. This equation you have to learn by heart. I hope that's clear to everyone. Conan, why you came late? Conan Qureshi. Sir, college ki classes thi. Abhi bhi hai. Chalu hai. Achha, 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 achha. कौन सी क्लास चल रही है? कैन आई नो विच क्लास इज गोइंग ऑन? फिजिक्स चलेगी अभी।
खत्म हुई थी 5 मिनट पहले, अभी वापस फिजिक्स की चालू होगी। अरे बाप रे, कितने बजे चालू हो जाती है? व्हाट इज द टाइम? 8 बजे चालू हो जाती है। अरे दो फोन लेके एक फोन पे खाली कॉलेज के चालू रखने का, अपना पूरा ध्यान क्लासेस पे लगाओ कोनन प्लीज। हाँ अटेंडेंस जाएगी, लेकिन ये वाला काम यहाँ मत करना, यहाँ पे तो मैं पूछता रहूंगा कोनन आंसर बोल, तो उधर कोई बोलेगा नहीं तुमको। ओके तो अभी है ना मेरे ख्याल से, चलो यंग्स मॉडुलस का आंसर मुझे बताएगा मुझे अफीफ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर यंग्स मॉडुलस? सर द फॉर्मूला सर सर इट इज एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर सर स्मॉल एल। दूसरा फॉर्मूला सर एफ एल अपॉन सर फोर्स इनटू सर ओरिजिनल लेंथ अपॉन ए इनटू स्मॉल एल। या ओरिजिनल लेंथ के बदले बोलने का एफ इनटू कैपिटल एल अपॉन ए इनटू स्मॉल एल, या एफ इनटू बड़ा एल अपॉन ए इनटू छोटा एल, लाइक दैट। ये फॉर्मूला लर्न बाय हार्ट, एवरी वन ऑफ यू आई एम टेलिंग यू दिस इज द हार्ट ऑफ द एंटायर चैप्टर, बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे इसके ऊपर। लिखो ऐसा लिखो लिखो सपोज दैट a cylindrical wire, suppose that a cylindrical wire of length capital L radius chota r and radius chota r is suspended from a rigid support, is suspended from a rigid support. Can you repeat once more? Yeah. Suppose that a cylindrical wire of length capital L and radius small r is suspended from a rigid support. Rigid, pakka majboot support. Nahi to support toot jayega. Wapas repeat karun Afif ki clear hai? Afif. Okay. Iske baad mein likho full stop. If a mass of capital M, if a mass capital M is attached to its free end, if a mass capital M is attached to its free end, then a deforming force then a deforming force, anybody can tell me what I'll make you write? Anybody can tell me what I'll make you write? Yare bachcho, so there will be increase in length of the wire. There is deforming force F equal to mg. Deforming force F equal to mg will act on the wire. Will act on the wire. Full stop. This force increases the length of the wire. This force increases the length of the wire. Let chota L be the increase in length. फ्री कॉपी कर डालो। ये डायग्राम भी बनाने तो बना लो।
हाँ हो गया बच्चों, हो गया? यस सर। ओके इसके बाद में लिखो अगला क्वेश्चन क्या होगा, एनीवन कैन टेल मी क्वेश्चन। चलो ये तो मैं बोलता बोलता हूँ अपने आप, कौन बताएगा अगला क्वेश्चन, कौन बतावेगा अगला क्वेश्चन? ये हमने कहा था डिराइव एक्सप्रेशन फॉर यंग्स मॉडुलस, तो अभी क्या आएगा एनीवन? सर बल्क बाय मॉडुलस। अगला क्वेश्चन लिखो, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर बल्क मॉडुलस। नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, एक ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस का जनरल वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला है, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू डीपी, इक्वल टू चेंज इन प्रेशर, एंड व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेन? वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा बोलो बच्चों, व्हाट अपॉन व्हाट? फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला, फॉर्मूला बोलो, इक्वल टू व्हाट अपॉन व्हाट? व्हाट अपॉन व्हाट विल डीवी अपॉन डीवी अपॉन, कभी कभी डेल्टा भी लिखते हैं, ये भूलना नहीं, कभी डेल्टा भी अपॉन भी आए तो घबराना मत, डेल्टा है ना चेंज, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, डोंट वरी अबाउट दिस, ऑलराइट? व्हाट इज बाय डेफिनेशन के इक्वल टू व्हाट? बल्क मॉडुलस के इक्वल टू व्हाट अपॉन व्हाट? खाली इतना बोलो, वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन, एंड दैट इज इक्वल टू डीपी अपॉन डीवी अपॉन वी, एंड देयरफॉर के का फॉर्मूला ये रहा आपके सामने। दिस फॉर्मूला टू लर्न बाय हार्ट, एक नोट है, नोट बड़ा अजीब है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, दैट इज वन अपॉन के इक्वल टू वन अपॉन वी डीवी बाय डीपी इज कॉल्ड, ये बड़ा स्पेशल नाम है इसका, इज कॉल्ड compressibility, is called compressibility. Acha, anyone in the class can tell me what will be unit of Young's modulus and what will be unit of bulk modulus? Anyone? Anyone? Anyone of you? एनी वन ऑफ यू? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। यंग्स मॉडुलस का यूनिट क्या होगा? बहुत इजी, तुम लोग सोचते ही नहीं हो, आई डोंट लाइक दिस। देखो सर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज राइट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और टाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज इट इज रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन, स्ट्रेन की तो यूनिट होती है, तो स्ट्रेस की जो यूनिट है वही यंग्स मॉडुलस की यूनिट होगी, वही यंग्स मॉडुलस की यूनिट होगी। उसी तरह से ये वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, बट वॉल्यूम स्ट्रेस की यूनिट है, व्हिच इज व्हाट? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट क्या होगी? एनीवन? कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट क्या होगी? सो इट्स मीटर स्क्वायर पर मिनट। दैट्स लवली आंसर, बहुत अच्छा आंसर है, बहुत प्यारा आंसर है, आई लव इट, ये ध्यान रखना। अच्छा, यंग्स मॉडुलस के पास जाके जरा लिख दो यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जहां पे हमने निकाला था ना ऐसे ही, उसके उसके सामने जरा लिख दो, और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा था वो भी लिख दो, और डाइन पर स्क्वायर
सेंटीमीटर स्क्वायर पर डायन अच्छा ये लिखा आपने कि लिखना बाकी है प्यारे बच्चों बाकी नो सर बाकी है बाकी है तो जाने तो डायरेक्टली लिख डालो मैं वो सब लिखना चाहता था कंसीडर अ वॉल्यूम और बॉडी ऑफ वॉल्यूम वी एंड दिस दैट जरूरत नहीं उसके चलो फॉर्मूला लर्न बाय हार्ट है ध्यान रखना दिस फॉर्मूला टू लर्न बाय हार्ट Formula you have to learn by heart. अरे कोनन कुरेशी कोनन कुरेशी आर यू देयर कोनन कोनन कुरेशी आर यू देयर और नो हाँ सर हूँ अच्छा तुमने क्या लिखा वो ना मार डालूंगी तेरे को किसको मारने वाली हो अरे सर मेरे को नोट चाहिए अरे नोट्स चाहिए कॉलेज के तो मैं वही टाइप कर रही थी क्योंकि मैं अटेंड नहीं करूंगी ना अभी तो उसके भी नोट्स अरे रिकॉर्डिंग होगी ना रिकॉर्डिंग देख लेना किसको मारने वाली थी लेकिन किसको मारने वाली थी बाप रे मैं डर गया इधर बोल रही थी अगर खबरदार फोन किया तो मार डालूंगी नहीं नहीं बाप रे तुम तो बहन लगती हो बहन एरिए की अच्छा एक बार फिर से देखो Volume stress is normal force upon area, which is dp, which is nothing but change in pressure. We know volume stress is change in volume upon original volume, that is dv upon v. By definition, bulk modulus is ratio of volume stress to volume strain. Volume stress is dp, volume strain is dv by v. To get the formula, like v dp by dv. Unit this. ये मैं पूछने वाला हूँ. मैं बोलूँगा यंग्स का formula बोल, बल्क का formula बोल. तो फटाफट compressibility का formula बोल. Everybody has to say this. Reciprocal bulk modulus that is k के बदले 1 upon k 1 upon v dv by dv उल्टा कर देंगे इस कॉल कंप्रेसिबिलिटी इसका लिमिट मीटर स्क्वायर पर न्यूटन और सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन डायन ऑलराइट इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आप तो बताओ क्या लिखने वाला हूं थर्ड क्वेश्चन आप कभी क्या वेट ओहो नहीं सर इतना कभी किया था कि नहीं इतना कि वापस लिखूं सर आई हैव टेकन स्क्रीनशॉट सर आई हैव द स्क्रीनशॉट लिखो बाकी लोग लिखो जरा मेरे को एक चीज बहुत बुरी लग रही है क्लास के अंदर क्या मालूम है बच्चे लोग मार्क्स ही नहीं लेना चाहते हैं मार्क्स नहीं ये डू नॉट ले एक्चुअली मार्क्स हैज डन गुड वर्क मेरे को तो लगता है मार्क्स गॉट 19 वो हाईएस्ट है मेरे ख्याल से बाकी दो बड़ी इंटरेस्टेड कितना सिंपल मैंने बोला था डायग्राम बनाओ और सामने सेंटर ऑफ मास लिखो वो भी कई लोगों ने नहीं लिखा है मतलब आई रियली फील पिटी अबाउट द स्टूडेंट्स नॉट स्टडीइंग एट ऑल एकदम सिंपल पेपर और मेरे को सबसे ज्यादा स्कॉलर जो लगते हैं वो तो काम ही नहीं कर रहे हैं ऐसा लगता है भार्गे सुसैन जीतू मास थोड़ा काम करने लगा है ओम देन अफीफ ये सब मेरे को स्कॉलर लगते हैं जब पढ़ाई करते हैं प्रिशा हैज डन वेरी गुड वर्क लेकिन लास्ट में उसने सब छोड़ दिया जो आता था वो लिखा बाकी सब पे अटेम्प्ट ही नहीं किया उसने ये तो प्रिशा वो उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था व्हाट शुड आई डू अभी रोशनी आई है रोशनी देखते हैं अगले अभी इसका रोशनी रोशनी आर यू देयर अरे रोशनी चौरसिया यस सर यू आर देयर ना मुझे एक बात बताओ कि तुमने लेक्चर देखे इसके पहले के दो हाँ तो अभी चैप्टर के आंसर देना चालू करो नंबर वन ये ध्यान रखो नंबर टू कुछ भी डाउट है
डाउट है मेरे को व्हाट्सएप पे भेजो, मुझे डिफिकल्टी फोन करके पूछो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी को, नॉट ओनली फॉर रोशनी। और अब है ना जो टेस्ट होगा ना उसमें फुल मार्क्स लाके दिखाओ तुम क्लास में और सबको बताओ कि कैसे पढ़ाई करने की। विल यू डू दैट? यस सर। हाँ मेरे को एएम मिस ने बताया था सी इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, तो इसलिए मैं मेरे को एक्सपेक्टेशन है तुमसे। एएम मिस के लेक्चर अटेंड किए थे ना तुमने दो तीन? रोशनी रोशनी नो आइडिया। ओके ठीक है, तो ये कॉपी कर लिया अभी सभी ने, तो आगे बढ़े हम लोग प्यारे बच्चों। यस सर। ओके अगला क्वेश्चन क्या होवेगा, तुम लोग बोलो अगला क्वेश्चन क्या होवेगा। अगला एक्सप्रेशन वर्ड रिजिड नहीं रे, पूरा नाम बोलना बराबर से। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रिजिडिटी। नो प्रॉपर नाम मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बोलो ना प्रॉपर। घर डायग्राम बना दो, इसके बारे में कुछ ज्यादा लिखेंगे नहीं हम लोग, ये तो बहुत टाइम वेस्ट होएगा। ये वाला डायग्राम बना दो जो हमने बताया था ना, डीएल डीएल and this is L. Anybody can tell me force is by kaise banana hai, normal ya tangential? Who will tell me that? Sir, tangential. That's lovely answer. Ek hai diagram batao aur iske baad mere ko shear strain, ya pehle shear stress. Tangential force upon area, then shear strain. Lateral displacement, लिख सकते हो मेरे साथ में, of any layer to its distance from fixed layer. In radian, radian क्या होता है? You will come to know. मैं सारे सर बताएंगे आपको. Therefore, eta. Eta equal what upon what? मुझे बताओ. Shear stress to shear strain. F upon A upon theta. F upon A theta. Therefore, eta equal to F upon A theta. What is the unit? Iska unit kya hoga? Mere bachcho, dear students, unit. Newton per meter square or Dian per centimeter square. Easy, easy.